नंबर 3.15, इस न्यूमेरिकल में हमें बताया गया है कि हमारे पास एक सबमरीन है, वो अपने टारगेट को हिट करती है जो कि उससे दूर है 3000 किलोमीटर, और उससे जो मिसाइल जाता है वो हॉरिजेंटल के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए जाता है। तो आपने कैलकुलेट करना है कि कितना टाइम लगेगा टारगेट को हिट करने में, यानी कि मिसाइल को टारगेट तक पहुंचने में जो टाइम लगेगा उसको हम टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट वो कैलकुलेट करना है, और दूसरा हमने कैलकुलेट करना है कि किस विलास्टी के साथ ये मिसाइल जाएगा, उस मिसाइल के जाने की रफ्तार, ये हमने दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है। क्योंकि रेंज की बात हो रही है, ये रेंज है, ठीक है, तो रेंज वाला फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। रेंज इज इक्वल टू वी आई स्क्वेयर साइन 2 थीटा ओवर जी। हमने विलास्टी मालूम करनी है, रफ्तार मालूम करनी है मिसाइल की, तो ये इधर रुका रहा है वी आई स्क्वेयर, जी इधर आके आर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन 2 थीटा इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये फार्मूला बन गया वी आई स्क्वेयर का। आर की वैल्यू जो है वो 3000 किलोमीटर है, किलो की वैल्यू होती है 10 पावर 3, क्योंकि डिस्टेंस का ऐसा यूनिट मीटर है, तो किलो की प्रीफिक्स होती है 10 पावर 3, तो यहाँ हमने 10 पावर 3 लिख दिया। जी होता है 9.8, थीटा हमें गिवन है 45, 45 जब इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 90 हो जाएगा, इज इक्वल टू वी आई स्क्वेयर। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास जो वी आई की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 5.42 × 10 पावर 3, क्योंकि ये स्क्वेयर है, स्केयर खत्म करने के लिए अंडर रूट लेते हैं, अंडर रूट लेके जब आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तब ये वैल्यू आएगी 5.42 × 10 पावर 3 मीटर पर सेकेंड। ये तो होगी मिसाइल के जाने की रफ्तार। अब कितना टाइम लगेगा कि वो टारगेट को जाके हिट करे, टाइम ऑफ फ्लाइट, ये हमने कैलकुलेट करना है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला था टी इज इक्वल टू 2 VI sin थीटा ओवर जी, 2 VI sin थीटा ओवर जी। वी आई अभी हमने कैलकुलेट किया है वो है 5.43 × 10 पावर 3, थीटा हमारे पास 45 है, जी की वैल्यू 9.8 होती है। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो टाइम की वैल्यू आ जाएगी 13 मिनट, सॉरी टाइम की वैल्यू आ जाएगी 782, टाइम इज इक्वल टू 782 सेकेंड। अगर आप इसको मिनट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो अपनी वैल्यू को 60 से डिवाइड करवा दें, 782 / 60, तो ये आ जाएगा 13 मिनट। 60 से डिवाइड करेंगे ना तब यूनिट चेंज हो जाएगा, तब यूनिट बन जाएगा मिनट। 782 सेकेंड या 13 मिनट लगेंगे हमारे मिसाइल को, और वो जाके अपने टारगेट को हिट करेगा, ठीक है।